छत्तीसगढ़ में जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से लेकर अब तक वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अलग ही सियासत दिखी है। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी ने इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को दिया। वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहला डोज 98% से ज्यादा हो चुका और ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरी डोज का भी प्रतिशत लगभग 66 से ज्यादा है। सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं है। वो कौन से टीकाकरण की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। अगर कोरोना का टीकाकरण है तो कोरोना का टीकाकरण में पहला डोज छत्तीसगढ़ 98% से ज़्यादा कर चुका है, ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरा डोज भी छत्तीसगढ़ 66-67% कर चुका है और ये भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। कम उम्र के बच्चों के लिए जो नया वैक्सीनेशन चालू हुआ 15 से 18 साल, ये भी 51-52% टीकाकरण हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई ऐसी कमी है। एक सीमा के बाद लोग कम आने लगते हैं, जैसे 98% हो गया। अब 98% को 100% करने में दिक्कत भी जाती है। तीन हमारे ज़िले हैं जहां हमको दिक्कत जा रही है। एक है नारायणपुर, वो अत्यधिक वनाच्छादित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दूर बसे हुए गांव हैं, तो वहाँ टीका लगाने लोग रुचि नहीं ले रहे। दूसरा मुंगेली और बलौदा बाजार,